फ्री फायर इंडियन कम्युनिटी से अभी इतने सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं जिनका हमें थोड़ा सा अभी पता नहीं था, और जिन चीज़ों को जान के हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रहे हैं। हमें ये तक पता लग रहा है जो कि बहुत अच्छे अच्छे पीसी प्लेयर्स थे वो हैक यूज कर रहे हैं, जैसे कि टूबी गेमर और भी बहुत सारे बाहर के प्लेयर लाइक वाइट ट्रिपल फोर, विंसेंजो, इन सब के बारे में, जो कि भाई मोस्ट रेपुटेटेड प्लेयर था विंसेंजो, उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लग रहे हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं विंसेंजो के बारे में। विंसेंजो मीना सर्वर का वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड प्लेयर जिसके ऊपर आज तक किसी ने भी उंगली नहीं उठाया है, उसका एक स्क्रीन शॉट वायरल हो रहा है कि वो यूज कर रहा है H4X। इस चीज़ पर अगर विंसेंजो से बात करी गई तो उसने बोला कि ये आईडी जो है उसके दोस्त की है और उसका दोस्त हैक यूज कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखें उसका जो इंडियन फ्रेंड है, अभी नाम तो मैं नहीं लूँगा आप समझ जाओ, तो उसने ऐसा बोला कि ये आईडी फेक है। तो दो स्टेटमेंट हो गई ना, अब देखो क्रॉस कर रही है दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को, मतलब सीधा पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं विंसेंजो का ही हाथ है। साथ ही साथ उस टाइम जो विंसेंजो के साथ यूट्यूबर्स खेल रहे थे उनमें से बहुत सारे यूट्यूबर मेरे दोस्त है, तो उन्होंने मेरे को खुद बताया कि ये जितना भी सीन है विंसेंजो वाला वो सच है। विंसेंजो उस दिन खुद खेल रहा था, क्योंकि देखो आईडी चेंज हो सकती है किसी की, नेम चेंज हो सकता है, लेकिन साउंड किसी की चेंज नहीं हो सकती है। साउंड बिल्कुल सेम था, विंसेंजो ही था वो बंदा, तो इससे प्रूफ होता है कि वो जो भी सीन था विंसेंजो का था। इस पे अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए प्रूफ के साथ वीडियो, मेरे को बता देना, मैं बना दूंगा। अभी हम बात करते हैं टूबी गेमर के बारे में, ठीक है। तो टूबी गेमर की जो अभी ये सीन चल रही है वो सेम टू सेम विंसेंजो वाला सीन है, बस यही है कि टूबी गेमर मेम्यो में खेलता है और जो विंसेंजो है वो ब्लूस्टैक्स में खेलता है। अब ब्लूस्टैक्स और मेम्यो क्या है मैं बता देता तुम्हें, ये एमुलेटर है जिसके थ्रू हम फ्री फायर खेलते हैं। दोनों में क्या वायरल हो रहा है कि दोनों के दोनों FFH4X यूज़ कर रहे हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ FFH4X होता गया। तो देखो FFH4X ऐसी चीज़ है, ऐसा एक क्या बताऊँ मैं चीज़ है जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा खतरनाक फ्री फायर हैक है, और ये इकलौता ऐसा हैक है जिसको डिटेक्ट करने में गरीना को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी के टाइम पे तुम लोग ये सोच रहे होगे कि आईडीज क्यों नहीं बैन हो रही है, भाई मैं भी सेम चीज़ यही सोच रहा हूँ, क्योंकि इंडियन प्लेयर में भी ना अभी इतने सारे पीसी प्लेयर्स बाहर आ रहे हैं जिनके बारे में पता लगा कि वो हैक यूज़ करते हैं, जैसे मन है और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनके बारे में भी पता लगा है कि वो हैकर है विद प्रूफ। तो इस पे तो भाई मैं भी अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा कि आईडीज कैसे नहीं बैन हो रही है, इसमें गलती तो गरीना की है। तो देखो टूबी गेमर का ये रहा स्क्रीनशॉट, और जैसे ही मेरे को ये मिला था वैसे ही मैंने बात करी थी टूबी गेमर से कॉल करके। तो टूबी का ये कहना था कि अगर ये चीज़ मेरे को 6 महीने पहले लोग बोलते कि मैं हैकर हूँ तो मैं मान लेता, लेकिन अभी के टाइम पर मेरा गेम प्ले उस लेवल का नहीं रहा क्योंकि मैं गेम वगैरह नहीं खेलता हूँ, तो अभी के टाइम पर कैसे लोग मेरे को जज कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को भी देखो सही लगा, क्योंकि एक टाइम था जब टूबी का गेम प्ले हैकर की तरह था, बट अभी गेम प्ले का लेवल उसका बहुत कम हो गया है क्योंकि कम खेलता हो या फिर जो भी रीजन हो, तो उस वजह से। तो देखो अभी के टाइम पर अगर तुम उसको हैकर बोलोगे तो भाई मैं क्या ही बोलूं। और देखो जो चीजें वायरल हो रही है वो स्क्रीन शॉट है, लेकिन विंसेंजो वाला जो सीन हुआ था उसमें पूरी की पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी। तो देखो स्क्रीनशॉट एडिट करना बहुत आसान है, मतलब मेरी भी आईडी लगा के तुम कर दोगे एडिट, बट वीडियो पूरी की पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड की बनाना इम्पॉसिबल है। तो मैंने देखो उस बंदे से भी बात करा है और उस बंदे ने भी मेरे को बहुत सारे प्रूफ्स भेजे हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं से भी मेरे को ये नहीं लगा कि स्क्रीनशॉट छोड़ के बाकी कुछ उसके पास प्रूफ है जो कि रिजिड है, वैलिड है, जिसको हम एज अ प्रूफ मान सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी एडिट हो सकती है। अगर यही चीज़ वो बंदा मेरे को स्क्रीन रिकॉर्ड दे देता ना भाई, मैं एक सेकंड में मान लेता कि टू भी हैकर है, लेकिन स्क्रीनशॉट हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं टूबी के गिल्ड से रिलेटेड, क्लासी से रिलेटेड। तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, क्लासी का क्या सीन है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बोल सकता हूँ, बंदे के 900 के मतलब 1 मिलियन होने वाले हो, इतने पैसे आ जाते होंगे ना, जो उतने पैसे के बाद उसको कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं होगी। तो क्या तुम्हें लगता है कि 1-20 हज़ार के गेमिंग चेयर के लिए वो बंदा ऐसा कुछ करेगा जिससे उसकी इमेज ख़राब हो? नहीं, तुम खुद सोचो ना एक बार भाई, 1 मिलियन जिस बंदे का हो ना यूट्यूब पर, वो बहुत अच्छा खासा अर्न कर लेता, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती इन सारी चीज़ों का। बाकी मेरे पास बहुत सारे प्रूफ आए हैं जिसको हम बहुत आराम से गहराई से पता करेंगे, उस बंदे के साथ भी मेरे को कॉल पर बात करना है, तो वो सब हम कर लेंगे। उसके बाद हो सकता है तो इसकी पार्ट 2 आए इस चैनल पे, नहीं तो दूसरी चैनल पे, तो हम जरूर
जरूर डालेंगे, और बाकी जो तुम प्रूफ्स देखे ये सारी चैट में, तो ये सारी इस चैनल पे हम नहीं डाल सकते हैं। दूसरी चैनल पे मैं शाम को डाल दूंगा एक प्रूफ, तुम लोग समझ लेना, देख लेना, तुम्हें पता लगेगा कि क्या सच्चाई है क्या गलत है। बाकी गिल्ड से रिलेटेड बातें हैं और टूबी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें उसमें, तो देख लेना तुम सब। देखो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी गलती क्या है पता है इंडियन सर्वर में, कि हम बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी, मतलब बिना कुछ जाने समझे। जैसे कि एक टाइम को राइस्टार के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन लग गए थे कि राइस्टार हैकर है, ये है वो है, तो सब उस टाइम उसको बहुत गालियाँ वगैरह देते। तो वो एक लौता बंदा था जो कि इंडिया में गेम प्ले की शुरुआत करा था, बाकी दुनिया संसार सब प्रैंक ये वो में रहते थे, ठीक है। वो एक लौता बंदा था जो वन शॉट लाया इंडियन सर्वर में, गेम प्ले लाया, मूवमेंट स्पीड पता चला लोगों को कि क्या होता है, एक्चुअल मॉन्टेज, एक्चुअल गेम प्ले। उस बंदे को भाई लोगों ने इतना ज़्यादा हेट दिया उस टाइम को, ठीक है। और फिर हेट कब बंद हुआ जाके, जब आईडी उसकी बैन नहीं हुई, सबकी बैन हो गई। तो देखो किसी भी बंदे के बात में तुम मत आ जाया कर, देखो जब तक 100% तुम्हें प्रूफ नहीं हो जाए, 100% लीजिट प्रूफ तुम्हें नहीं मिले किसी भी बंदे के बारे में, तब तक किसी पे भी विश्वास मत किया करो तुम। मैं तुम्हें यही बोलूँगा, सावधान रहे, सतर्क रहे। अब ये हो गई इंडियन सर्वर की बात। मीना सर्वर में बात करें तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मिलियन मिलियन में बैठे हैं, बट वो हैक यूज़ करते हैं, फेक कंटेंट बनाते हैं, पीसी में खेल के फ़ोन में बताते हैं। अब देखो इंडियन सर्वर में भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि पीसी में खेलते हैं बट फ़ोन में बताते हैं, करने बैठा तो बहुत से चैनल ऐसे होंगे जिनका कारोबार बंद हो जाएगा। तुम्हें पता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, इंडियन सर्वर में इतने चैनल्स हैं जो कि पीसी पे खेलते हैं लेकिन खुद को फ़ोन प्लेयर बताते हैं, सिंपथी लेते हैं। बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनको तुम खुद भी देखते होगे, जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। अब कौन है ये चीज़ तो तुम्हें भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे भाई को सब पता होता है। अब इन चीज़ों पर किसी दिन विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी मैं मीना सर्वर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, उस पर काम जारी है देखो, और बहुत भयंकर वाली वीडियोज़ आएगी, 2-3 वीडियो आएगी जिससे पूरी की पूरी सच्चाई तुम्हें पता लगेगी कि मीना सरोवर की बहुत अच्छे से, जिन पे तुम अंधभक्त बन के विश्वास करते हो। देखो विंसेंजो के साथ मैंने भी बहुत टाइम खेला है, जब भी वो इंडियन सर्वर में आता था, मेरा एक टाइम का बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है विंसेंजो, हमने साथ में बहुत सारे गेम खेले हैं, लेकिन मैं भी उसको बहुत अच्छा बंदा, वो सच में है भी बहुत अच्छा बंदा, मैं तुम्हें एक चीज़ बता था, लेकिन किसी के कैरेक्टर से ये चीज़ हम जज नहीं कर सकते कि वो हैक यूज करता है कि नहीं, बस वही चीज़ है, मैं भी उसमें विश्वास रखता था। तुम्हें पता होगा एक टाइम को मैं White444 को भी बहुत अच्छा मानता था, इंस्पिरेशन मानता था। अब लेकिन जो बंदा गलत है वो गलत है, ठीक है। अब अंधभक्त तो हम हैं नहीं, सीधी बात है, तुम भी अंधभक्त बनो मत किसी का। और मेरे को देखो इस टॉपिक पे ज़्यादा बोलना नहीं है, बस यही बोलूँगा, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और हो सके तो जो भी भाई लोग हमारे नया है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो शेयर करते हुए जाना, बोलना नहीं है। हम मिलेंगे आपसे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।